सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ आ गया हूँ मैं बहुत टाइम के बाद एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए। तो कुछ रीज़न से जिनकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब बनाऊँगा। तो आज का टॉपिक है हमारा कोर्स क्रू, जो कि थोड़ा सा हार्ड मूव है, बट इतना भी हार्ड नहीं है, बट ये थोड़ा सा टाइम लेता है। आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत, तभी आपको ये आ पाएगा। तो पहले देखते हैं कि ये कैसा होता है। तो चलिए, तो इसको सीखने से पहले आपको एक अच्छा चीट के अंदर आना चाहिए। तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा। तो पहले देख लीजिए कि चीट के अंदर कैसा होता है। तो इसको सीखने के लिए आपको पहले एक अच्छा जे स्टेप आना चाहिए। तो मैंने जो मेरी वीडियो है चीट के अंदर वाली, उसमें बता रखा है जे स्टेप के बारे में कि कैसे करना है जे स्टेप को। तो आप देख सकते हैं, पूरा बता रखा है उसमें डिटेल से, बट थोड़ा बहुत इसे बता देता हूँ मैं। तो आपको जे स्टेप लेना है, आपको मेरे लिए तीन स्टेप लेना है जे स्टेप में। तो पहले आपको ये स्टेप लेना है, देन सेकंड, देन आपको यहाँ से अपनी बॉडी को रोटेट करना है, पूरा रोटेट करके यहाँ रख के देन किक ऊपर। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करना है एक बारी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप एक स्टेप लेके सेकंड स्टेप जब आएगा, उसके बाद आपको अपनी लेग को दूर रखना है जितना हो सके, और देन किक करनी है, पास नहीं रखना बिल्कुल भी। मान लो सेकंड लेग यहाँ आ गया, थर्ड लेग यहाँ आ गया, तो आपको जंप नहीं आ पाएगा। इसलिए आप फर्स्ट लेग रख के, सेकंड रख के, थर्ड आपको पूरा रोटेशन लेके आगे रखनी है, लेग पूरा आगे तक ऐसे, और फिर ऐसे। तो सेकंड से थर्ड स्टेप में आपको गैप रखना है ज़्यादा, और किक करनी है जितनी हो सके। तो जब तक आपको एक अच्छा जे स्टेप नहीं आएगा, तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। कभी रोटेशन कम होएगा, कभी जंप कम होएगा। तो इसलिए आप पहले अपना जे स्टेप अच्छा करिए, जे स्टेप को सीखिए अच्छी तरह, उसके बाद आप बढ़िए कोर स्क्रू की तरफ। तो चीट के अंदर को सीखने के बाद आपको बढ़ना है कोर की तरफ। तो आपको इसमें सिंपल 360 ट्विस्ट लेना है। तो आपको पहले स्टैंडिंग में 360 ट्विस्ट करना है, तो देखिए कैसे। तो स्टार्टिंग में आप जे स्टेप लेके स्टैंडिंग 360 घूम सकते हैं, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे करिए, जे स्टेप लेके 360 ट्विस्ट घूम जाइए, और फिर धीरे धीरे जे स्टेप में जंप लेके 360 की ट्राई करिए, पहले 180 फिर 360। तो चेट के अंदर आने के बाद आपको बढ़ना है 180 ट्विस्ट की तरफ। तो इसमें आपको आधा घूमना है 360 का, आधा 180। तो 180 ट्विस्ट करिए पहले आप। तो पहले ये भी देख लीजिए कि इसको कैसे करना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 180 ट्विस्ट की प्रैक्टिस करनी है, और इसकी लैंडिंग लानी है। और आपको एक अच्छा ट्विस्ट लेने के लिए एक और चीज़ ट्राई करनी है। आपको ट्विस्ट लेके आपको नीचे की तरफ देखना है, आपकी नज़र नीचे होनी चाहिए, उससे आपका ट्विस्ट जल्दी आएगा। तो अब बात करते हैं मिस्टेक की। तो इसमें मिस्टेक क्या होती है, सबसे मेन मिस्टेक इसमें ये होती है कि हम जब जाते हैं जे स्टेप लेके, तो हम स्टार्टिंग से ही ट्विस्ट ले लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमें पहले पूरा जंप लेना है जे स्टेप के बाद, लेग से पूरा किक करना है ऊपर, और देन ऊपर जाने के बाद फिर ट्विस्ट लेना है, स्टार्टिंग से ट्विस्ट नहीं लेना। तो इसलिए आपको पहले ऊपर जाना है, फुल जंप लेना है, उसके बाद ट्विस्ट करना है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसको कोई सेफ जगह पे ट्राई करिए, सॉफ्ट सरफेस पे, कोई भी गद्दे हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको चोट ना लगती हो, आप सेफली इसको कर पाएँ, जहाँ पे कोई इंजरी ना हो, तो इसको आप ट्राई करिए आप। बहुत सारे लोग इसमें ट्विस्ट ले लेते हैं, लेकिन उनकी लैंडिंग नहीं आ पाती, क्योंकि वो मोशन को समझ नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, आपको एंड में रोटेशन लेके अपनी लेग को ओपन करना है, और अपनी बॉडी को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है, और देन ट्विस्ट करना है। स्टार्टिंग में आप बॉडी को छोटा करके ट्विस्ट करिए, उससे आपका ट्विस्ट कंप्लीट आएगा और जल्दी आएगा। तो आपको जाके स्टार्टिंग में अपनी लेग हल्की सी बैंड करनी है, एंड देन एंड में आपको अपनी लेग ओपन करनी है, जिससे आपकी ऐसी लैंडिंग आएगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है इसको ट्राई। बस थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में, बहुत जल्दी नहीं आता ये। तो पहले आप अपनी बैक फ्लिप की हाइट को इम्प्रूव करिए, उसके बाद चीट के अंदर सीखिए, उसके बाद आप कोर की तरफ बढ़िए। और आपको इसको स्टार्टिंग में हाइट से ट्राई करना है, हाइट लेके, बिना हाइट के आपसे स्टार्टिंग में नहीं होगा। तो आप पहले हाइट से ट्राई करिए, क्या बैक फ्लिप, फिर चीट के अंदर, देन 180, उसके बाद 360 कोर स्क्रू। तो 360 कोर स्क्रू एक ही बात है, कोर स्क्रू मतलब होता है 360 ट्विस्ट लेना, तो वही बात होगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को ऊपर जल्दी से जल्दी घुमाना है, और टाइट रखना है बॉडी को। जितनी जल्दी आपकी बॉडी घूम जाएगी, उतनी जल्दी आपकी लैंडिंग आ जाएगी, लैग आ जाएगा नीचे। अगर आप बॉडी को ऊपर ढीला छोड़ देंगे, तो आप सीधा नीचे गिरेंगे, तो उससे आपकी लैंडिंग नहीं आ पाएगी। रोटेशन पूरा आ जाएगा, लेकिन लैंडिंग नहीं आ पाएगी। तो आपको अपनी बॉडी को ऊपर के ऊपर घुमाना है, और फिर लैंडिंग लानी है। तो बस यही है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और
देखना है कि मैंने कब जंप लेना है, कब रोटेशन लेना है और कब अपने लेग खोलना है लैंडिंग के लिए। बस यही है इसमें, थोड़े प्रैक्टिस चाहिए इसमें, बस आ जाता है समझ में धीरे धीरे। बस ध्यान रखिए कि आप स्टार्टिंग में रोटेशन ना ले जाए, जंप लेके रोटेशन ले और उससे आपका सही रोटेशन जल्दी आएगा और ऊपर ही ऊपर आप घूम जाएंगे और देन लैंडिंग भी आ जाएगी आराम से। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये आएगा। तो मैं आपको खुद मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को बहुत टाइम लग गया सीखने में बट लास्ट में आ गया। अभी भी मेरी लैंडिंग इसमें हर बार नहीं आती, कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसको आप ट्राई मत करिए जब तक आपको एक अच्छी बैक फ्लिप नहीं आती और चेयर के अंदर नहीं आता, उसके बाद ही आप इसको ट्राई करिए। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि कैसे करना है इसको। तो जे स्टेप आने के बाद आपको जे स्टेप लेके जंप लेके चेयर के अंदर में आप पीछे जाते हैं, लेकिन आपको इसमें हल्का सा ट्विस्ट लेना है और आपको घूमना पहले 180। आपकी लैंडिंग कुछ इस तरह आएगी, इस तरह फेस आएगा आपका अपोजिट साइड। तो इसमें आपको धीरे धीरे ऊपर जाके स्टार्टिंग से ट्विस्ट लेना है, जंप लेके पूरा ऊपर जाके और फिर आपको 360 घूमना है और आपका फेस इसी साइड आना चाहिए, पूरा ट्विस्ट लेके 360 ट्विस्ट पूरा। तो आप बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा हार्ड मूव है, इंजरी हो सकती है, तो इसलिए सेफ्टी का ध्यान रख के इसको अटैम्प्ट करिए। तो आगे आपके लिए नई नई वीडियो आती रहेंगी, तो आप बने रहना चैनल पर। और एक बात और, आपको क्या सीखना है आप मुझे बताना कमेंट में, अगर मुझे नॉलेज होगी उस बारे में तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। तो वैसे आज के लिए इतना ही, चलो आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बताना कैसे लगे आपको वीडियो, बहुत ही मेहनत लगी आज की वीडियो बनाने में। तो जहाँ पे मैं पहले शूट कर रहा था वहाँ से मैं आ गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मतलब देखा ही नहीं जा रहा था कैमरे में, इतनी धूप हो रही थी वहाँ पे और फ़ोन पूरा हीट हो गया था, तो इसलिए मैं इस लोकेशन पे आया शूट करने के लिए। कोई नहीं, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।